स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वित्त सखी की नौकरी के बारे में कई दीदियों को ये डाउट है कि वित्त सखी किसे कहते हैं वित्त सखी क्या समूह सखी को कहते हैं या फिर वित्त सखी बीसी सखी को कहते हैं या फिर वित्त सखी बैंक सखी को कहते हैं इसको लेकर दो तीन दीदियों ने हमसे पूछा था प्रश्न तो मैं सोचा चलो वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता देते हैं क्योंकि ये डाउट है क्योंकि वित्त का मतलब धन रुपया पैसा तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बैंक सखी का, का काम भी रुपये पैसे से जुड़ा होता है और बीसी सखी का, का काम भी रुपये पैसे से जुड़ा होता है वही समूह सखी भी फंड वंड का, का काम करती दिलवाने का कि आर एफ दिलवा रही है सियाई दिलवा रही है खाता खुलवा रही है समूह बनवा रही है तो कहीं ना कहीं मतलब ये मन में डाउट है कि वित्त सखी जो है क्या वो समूह सखी का दूसरा नाम है या बैंक सखी का नाम है या फिर ये बीसी सखी का नाम है चलिए हम आपको बता दें कि वित्त सखी जो है ना समूह सखी का नाम है ना बैंक सखी का है और ना ही ये बीसी uh, सखी का है वित्त सखी इन तीनों से अलग है वित्त सखी कौन होती है सबसे पहले बात कर ले पर आपको बता दें कि वित्त सखी के आवेदन शुरू हो चुके हैं जहां जहां वित्त सखी के आवेदन नहीं लिए गए हैं वैकेंसी खाली है वहां फॉर्म जमा हो रहे हैं आप अपने ब्लॉग से जानकारी कर लें कि वित्त सखी के फॉर्म जमा हो रहे हैं या नहीं और एंड तक बनी रहिएगा वीडियो के ताकि वित्त सखी का इंग्लिश नाम भी आपको पता चल सके वित्त सखी में आवेदन करने के लिए आपको ब्लॉग जाना होगा ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा वहीं आपको जमा करना होगा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे आपका आधार कार्ड की फ़ोटो कापी आपके कम से कम इंटर हाई स्कूल पढ़ी होनी चाहिए मोबाइल आपको चलाना आना चाहिए तो हाई स्कूल की फोटो या इंटर की अपनी पढ़ाई करिए जो भी पढ़ाई आगे ज़्यादा करिए तो उसकी फ़ोटो वगैरह लगेंगी आपके फ़ोटो लगेंगे आपके पर्सनल बैंक अकाउंट की फ़ोटो भी लगेगी आपका मोबाइल नंबर ये सब लगेगा और फिर जाकर के आपको जो है इसमें आवेदन करने के लिए फॉर्म फिल करना होगा। होगा आपके मन में होगा वित्त सखी का काम क्या होता है है? और मानदेय कितना मिलता है। तो वित्त सखी का जो मानदेय है वो एक दिन का चार सौ पैंतीस रुपया है चार सौ पैंतीस रुपए एक दिन का मानदेय आपको दिया जाएगा महीने में कितने दिन आपको काम करना है ये भी हम आपको बताएंगे तो वित्त सखी जो है पैसे और धन से रिलेटेड हम लोगों को ट्रेनिंग देती है मतलब समूह की दीदी को वित्त सखी इसलिए रखी जाती है ताकि वो समूहों में जाए और समूह की दीदी को ट्रेनिंग दे कि उन्हें सरकारी पैसा जो समूह में मिला है वो कैसे यूज करना है कैसे उसको बना कर रखना है उसकी लेन देन कैसे करना है उनका स्वयं का अगर पैसा है तो कैसे उसका यूज़ करना है ताकि उनका पैसा बर्बाद ना हो उन्हें बीमा करवाना चाहिए उन्हें पेंशन जो अटल पेंशन है वो करवानी चाहिए और पैसे का जो धन का उपयोग है वो कैसे करना चाहिए आय व्यय कैसे करना चाहिए कैसे ब्यौरा रखना चाहिए ताकि धन का दुरुपयोग ना हो तो पैसे की बचत आदि को लेकर के वो ट्रेनिंग देती है ताकि दीदियाँ पैसे को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाए और अधिक से अधिक बचत कर पाए तो इसीलिए इनका नाम वित्त सखी पड़ा होता है क्योंकि वित्त के बारे में जानकारी देती है वित्त का मतलब धन तो अब महीने में इन्हें पूरा महीना काम नहीं करना महीने में नौ या बारह दिन काम करना होता है मेरे यहाँ जो दीदी हैं वो नौ दिन बताती हैं काम करती हैं फिलहाल अधिक जानकारी आपको ब्लॉग से ही मिलेगी कि आपको कितने दिन का काम दिया जा रहा है पूरे महीने काम नहीं होता है तो जितने तो दिन आपका काम होगा उतने दिन का ही आपको मानदेय मिलेगा ये ध्यान में रखिएगा तो एक दिन का चार सौ पैंतीस रुपया मानदेय है अगर नौ दिन महीने में काम होता है तो नौ दिन, तो दिन, दिन, तो दिन का ही मानदेय आपको दिया जाएगा अब वित्त सखी के बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए है तो आपको अपने ब्लॉग से जानकारी करनी होगी वित्त सखी होती कौन है वित्त सखी होती है एफ एल सी आर पी जिस पर मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियो बना चुकी हूं एफ एल सी आर पी यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी आईसीआरपी जो होती है वही वित्त सखी होती है हिंदी में बोले तो वित्त सखी और इंग्लिश में बोले तो एफ एल सी आर पी ठीक है तो ये क्या करती हैं कि बैंकों के बारे में जानकारी देती हैं बैंक से रिलेटेड खाता से रिलेटेड पैसे की जा जानकारी ट्रेनिंग आप सभी को देती हैं समूहों में वित्त सखी समूहों में जाकर ट्रेनिंग कैसे देती हैं ट्रेनिंग में क्या बताती हैं तो इसको लेकर के मैंने दो वीडियो अपलोड कर रखी हैं एफ ट्रेनिंग की ठीक है कैसे ट्रेनिंग दे रही हैं देते हुए वीडियो अपलोड की जरूर देखेगा चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे और ये सारी चीज़ें जो है उनको ट्रेनिंग में सिखा दी जाती हैं कि आपको कैसे जाना है क्या बोलना है और ट्रेनिंग में उनको कैलेंडर मिलते हैं बस कैलेंडर टांग टांग कर उन्हें उसी में देखते हुए ट्रेनिंग देनी होती है समूह को कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता बहुत ईजी होता है तो वहाँ पे कैलेंडर है बुक्स हैं ये सब ट्रेनिंग के दौरान उनको दी जाती हैं कि समूहों में ले जा के आपको इस प्रकार से ट्रेनिंग देनी है तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आप सभी को बताई है अब इसमें क्या होता है जब आप आवेदन कर देंगी तो लिखित परीक्षा भी होगी और इंटरव्यू भी होगा और अगर आप दोनों पास कर लेंगी तभी इसमें चयन होता है इस बात का ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छी नौकरी है आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना अगर आप चाहे तो अपने गांव अपने ग्राम पंचायत तो अपने ब्लॉक में ही रहकर नौकरी कर सकती हैं तो आपको उस हिसाब से मानदेय मिलेगा अगर आप अपने ब्लॉक से बाहर जाकर जिले में कहीं काम करती हैं बाहर तो मानदेय कुछ बढ़ाकर भी मिलेगा और अगर जिले से ज़्यादा बाहर जाती हैं स्टेट लेवल पर काम करती हैं तो मानदेय और बढ़ाकर भी आपको दिया जा सकता है तो ये है एफ एल सी आर बी जिसको वित्त सखी भी कहते हैं आज की जानकारी से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और अगर कुछ पूछना है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हम कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बना दें या आपको उसका आंसर जरूर से जरूर दे दें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज की वीडियो में इतना ही लाइक शेयर करें वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले धन्यवाद